आज की होम रेमेडी है खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। जिनके भी खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL होता है, वो बढ़ा हुआ है, उसको अगर आपने घटाना है तो उसके लिए मैं होम रेमेडी लेकर आई हूँ। इसको ना तो कोई आपको बनाने की झंझट पड़ेगी, ना ही मिक्सी, ना ही चूल्हा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखिए, हमें ज़रूरत होगी किशमिश की और काले चने की। जो भुने हुए चने होते हैं वही हमने लेने हैं। तो 50 ग्राम आपने भुने हुए चने लेने हैं और 10 ग्राम किशमिश। हमारे सनातन धर्म में आप सभी जानते होंगे, जो माँ संतोषी का व्रत रखते हैं, शायद इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने त्यौहार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, आप कह लीजिए अब व्रत के माध्यम से ही कह लीजिए, वीक में एक बार भुने हुए चने का प्रसाद बटा करता था और प्रसाद खाया करते थे। तो शायद इसीलिए होता होगा ये सब, क्योंकि देखिए आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना, अगर आपको मेरी बात में सच्चाई ना लगे तो किसी भी डॉक्टर से पूछना कि आप भुने हुए जो चने हम खाते हैं उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है या नहीं, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो इसीलिए शायद ये परंपराएँ, ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। तो अगर आप हफ्ते में जितना चना और किशमिश मैंने बताया है आप खाते हैं, तो आपके खून में जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो आपका बढ़ा हुआ है, LDL जो बढ़ा हुआ है, वो इससे घट जाएगा। देखिए ये सब तो आप जानते ही होंगे कि खून में कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो हार्ट के रोग हो जाते हैं। काला चना खून में कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम हो जाता है और हार्ट की जो भी बीमारियां हैं उनका खतरा कम हो जाता है। तो इसी कारण से शायद ये सब सेवन की विधियाँ हैं जो पुराने ज़माने से चली आ रही हैं। हफ्ते में एक बार संतोषी माँ का व्रत रखते हैं तो काले चने का प्रसाद जैसे सब लोग खाया करते थे। तो अब एक दूसरा तरीका और है, अगर आप भुने चने नहीं खाना चाहते हैं तो आप इस तरह भी खा सकते हैं। आपको 10 ग्राम काले चने लेने हैं, उनको रात को पानी में भिगोना है अच्छी तरह से धोकर, और 10 दाने आपने किशमिश के लेने हैं, उनको भी आपने रात में भिगोना है पानी में। तो जिस पानी में आप चने भिगोएंगे तो पानी भी आपने पीना है, सेवन करना है, और 10 ग्राम आपने चने खाने हैं और 10 दाने किशमिश के खाने हैं। जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, मधुमेह के जो पेशेंट हैं, वो भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि 10 दाने किशमिश खाने से डायबिटीज़ में उनके मतलब नुकसान नहीं होगा कोई भी, तो इतनी किशमिश वो खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब देखिए, काला चना है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट को मजबूत करता है और रक्तचाप को भी ये नियंत्रित करता है, यानी संतुलित रखता है, और इससे कब्ज भी दूर होती है। जिनको कब्ज की समस्या है तो अगर वो भीगे हुए काले चने खाते हैं तो उनको कब्ज में भी राहत मिलेगी। देखिए, चने के अलावा खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के और भी पदार्थ होते हैं, जैसे दही का सेवन आप ज़्यादा कीजिए, छाछ ज़्यादा लीजिए, आंवला, किशमिश, अंगूर, पपीता, अनार, प्याज, अदरक, बथुआ, दाना मेथी, अजवाइन, इसबगोल की भूसी, इन सब चीज़ों का भी सेवन अगर आप अपने आहार में बढ़ाते हैं, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, अपने भोजन में शामिल करते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो घटता है। तो इन सब चीज़ों का आप सेवन कीजिए। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारियों के साथ। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके।